नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा तक तैयारी में जुटे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी विधायक पार्टी को झटके पर झटके दे रहे हैं और करीब 10 विधायक अब तक बीजेपी छोड़ चुके हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 40% महिलाएं हैं। कांग्रेस ने CAA, NRC के खिलाफ आंदोलन करने वाली और जेल जाने वाली सदफ जफर को लखनऊ मध्य से टिकट दिया है। नमस्कार, आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आज जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है, आगे बढ़ा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुई एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस सपोर्टर सदफ जफर की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी रही और उन्होंने पति की प्रताड़नाओं से निकलकर अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की थी। सदफ अपने पति की प्रताड़नाओं से काफी तंग आ चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल इसी उम्मीद में निकाल दिए थे कि आगे कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन उनके पति ने उन्हें इतना मारा कि परेशान होकर जफर ने खुदकुशी करने का फैसला किया था और उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। लेकिन ये गोलियां नींद की ना होकर डिप्रेशन की गोलियां निकली, लेकिन इतनी सारी गोलियां खा लेने के बाद उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें मेंटल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें यहां भी अपने पति का साथ नहीं मिला और वो इस दौरान मेंटल अस्पताल से खुद से ही संघर्ष करती रहीं। इसके बाद उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। अपने और अपने बच्चों के लिए उन्होंने टीचर के तौर पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने थिएटर का भी रुख किया। कुछ समय बाद उन्हें फरहान अख्तर स्टारर फिल्म लखनऊ सेंट्रल में काम करने का मौका मिला था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।